फ्रेंड्स, दिस इज विद्युत विश्वास एंड वेलकम टू माय चैनल हिडन जेम ऑफ स्टॉक मार्केट बाय विद्युत विश्वास। फ्रेंड्स, जिसे आज एक कंपनी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, जिस कंपनी का फंडामेंटल तो मेरे को अच्छा लग रहा है और इस रिसेंट करेक्शन में अच्छा खासा करेक्शन भी हो गया 50% के ऊपर, और करेक्शन होने के बाद रिवर्सल दिखा रहा है। तो रिवर्सल जब टेक्निकली देखता है अच्छा कंपनी को, उस जगह पे उठाना चाहिए। तो वो कंपनी के बारे में आइए हम लोग डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों। और डिस्कस करने के पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ फ्रेंड्स, तो मेरे को कोई रिकमेंडेशन देने का अथॉरिटी नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को स्टडी के लिए मैं इसका फंडामेंटल डिटेल में और टेक्निकल डिटेल में दे सकता हूँ, और उसमें मेरा एनालिसिस अगर रॉन्ग हो जाएगा तो कौन से जगह में एग्जिट करके आना है। जैसे फ्रेंड्स मेरे को काफी सारे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं सर क्या लेना है, और भी सारे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं एक कंपनी में मैंने लॉस में बैठा हूँ। अरे फ्रेंड्स, लॉस में क्यों बैठे हो, मैं तो उसमें स्टॉप लॉस तो दे दिया था आपको, जो क्योंकि किसी का भी एनालिसिस रॉन्ग हो सकता है, कोई भी 100% सक्सेस तो हो नहीं सकते, तो उसमें एनालिसिस रॉन्ग होगा तो आपको स्टॉप लॉस जो दिया हुआ है उसमें निकल जाना पड़ेगा। और मैंने कोई एंट्री और एग्जिट का रिकमेंडेशन तो दे नहीं रहा, आप लोगों को बोल रहा हूँ इससे सीखो, आपका खुद का एनालिसिस करो, आप खुद कन्विक्शन आए तब भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि मार्केट से बोरोड कन्विक्शन के ऊपर पैसा आप लोग कमा नहीं सकते हो। जो बोरोड कन्विक्शन होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और उसमें आप लोग पैसा कभी कमा नहीं सकते। तो चलो फ्रेंड्स, अभी चालू करते हैं इसमें। जो ये जो कंपनी है, जो आपका मैं इसमें जो देख रहा था, ये इंडिया का नंबर वन एक्सपोर्टर है। ERW जो पाइप्स होता है उसका ऑलमोस्ट 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअली ERW पाइप्स ये होता है जो इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस होता है, उसको ERW पाइप बोलते हैं। तो ये 50 कंट्री में इसको एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरा जो मतलब इसका पाइप का सारे के सारे रेंज इसके पास पाइप का है, जैसे GI पाइप, गैल्वेनाइज पाइप है, उसका इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये। और जो API और जो उसको क्या कहते हैं 3PL पाइप होता है, वो क्या होता है, जैसे आप लोग देखा फ्रेंड्स, जो पानी का जैसे पाइपिंग होता है, जैसे पानी का पाइपलाइन जो बनता है बहुत बड़ा बड़ा पाइप होता है, उसके अंदर आदमी भी जाके बैठ सकते इतना बड़ा होता है, तो वो जो पाइप्स होता है उसको कहते हैं मतलब API और 3PL पाइप, पानी या तो सीवरेज, ये सबके लिए जो बड़ा बड़ा पाइप्स होता है। तो इसपे भी वन ऑफ द टॉप 3 मैन्युफैक्चरर टू ऑल ओवर द इंडिया। तो पाइपिंग सेक्टर में इसका हर जगह के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट के लिए, तो हर सेगमेंट में इसका पाइपिंग का प्रेजेंस है। और दूसरा जो है इसका कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स है, आप मतलब LED लाइट और इसका लाइट पंखा और कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब होम अप्लायंस, जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर हो गया, एयर कूलर हो गया, और भी मतलब लाइटिंग सॉल्यूशन में तो टोटली इसका है। और दूसरा सबसे बड़ा बात है, इस कंपनी को जो मैं मार्केट शेयर देख रहा था, मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया, बहुत कम कंपनी का ऐसा, जैसे इंडियन गवर्नमेंट अभी रूरल इकोनॉमी डेवलपमेंट का बात कर रहा था, तो रूरल इकोनॉमी डेवलपमेंट में क्या होगा, रूरल आदमी के पास पैसा आएगा, तो रूरल इकोनॉमी पैसा आएगा तो वो लोग क्या करेगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा, उसमें पैसा मतलब तो मनी सर्कुलेट होगा, तो रूरल इकोनॉमी डेवलप होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, और जो कंपनी का रूरल में प्रेजेंस बहुत ज्यादा है तो वो कंपनी ग्रो करेगा। जैसे एक कंपनी का जैसे मैंने रेवेन्यू शेयर देख रहा था, माय पॉपुलेशन रूरल में 52% इसका रेवेन्यू शेयर है, टायर 2 में 32 है और मेट्रो सिटीज में ओनली 16%, बाकी कंपनी का पूरा अलग होता है, तो इस कंपनी का उल्टा है, तो रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ का बहुत बड़ा बेनिफिट इसको मिलने वाला है। चलो फ्रेंड्स, इस कंपनी का ज्यादा देर नहीं करके इस कंपनी का नाम बोल देते हैं। इस कंपनी का नाम है सूर्या रश्मि लिमिटेड। बहुत सारे दिन तक मेरे को तो पता था ये मतलब क्या है, सिर्फ लाइटिंग का ही कंपनी है, क्योंकि इसका मैंने लाइटिंग देखा, LED लाइट देखा, इसका पंखा देखा, इसका कूलर देखा, इसका होम अप्लायंस का प्रोडक्ट देखा, तो बहुत अच्छा ब्रांड है, लाइटिंग सेगमेंट में इंडिया का नंबर 2 है इसका। चलो देख लेते हैं कौन सा सेगमेंट में क्या है। जैसे देखो ERW पाइप्स में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट ERW पाइप एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट GI पाइप प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द लाइटनिंग सेगमेंट। तो जो कंपनी कोई एक सेगमेंट में GI पाइप, जिसे अभी आप लोगों को सबको पता है, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसे गांव-गांव में पानी, सबके घर में पीने का पानी होगा, तो उसके लिए पानी का पाइपलाइन का काम या तो सब कुछ चल रहा है, तो उसको जो GI पाइप से वो पानी का ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम होता है, तो इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अभी जो सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है उसको तो लार्जेस्ट ऑर्डर मिलने वाला ही है। तो और दूसरा जो सीवरेज, जैसे जैसे अभी क्या होता है, जैसे स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का,
अर्बनाइजेशन है, ये सब में क्या होता है, सुअरेज लाइन का काम बहुत ज्यादा होगा, पानी का ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत ज्यादा होगा, नल पे जल, ये सब जो प्रोजेक्ट है, तो ये जो पाइपिंग का है, पाइपिंग का तो काम बहुत ज्यादा बढ़ेगा जो कंपनी है। और इसके पास मैंने कंपनी का इसका जो वेबसाइट है, मतलब उसमें देखा हर क्वार्टर का इसमें मतलब अवेलेबल है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, तो उसमें गया तो मेरे को हर तरह का पाइप क्या होता है उसमें एक तो मेरे को थोड़ा आइडिया तो मिला जो कौन सा पाइप कौन सा काम के लिए यूज होता है। जैसे इसमें देखो जैसे 49 ईयर तो इसमें पूरा दिया, ईआरडब्ल्यू जीआई पाइप मैन्युफैक्चरर नंबर वन इन इंडिया, तो एक्सपोर्टर ऑफ ईआरडब्ल्यू पाइप्स इन इंडिया उसमें भी नंबर वन है, लीडिंग एपीआई पाइप्स मैन्युफैक्चरर, और उसमें थोड़ा एक बार देख लेते कौन सा पाइप कौन सा जीआई पाइप जो है उसका एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर इरीगेशन, एग्रीकल्चर के लिए जो पानी ट्रांसपोर्ट मतलब जो पाइप से पानी एक जगह से अलग जगह पे पहुंचाता है उसको एग्रीकल्चर मतलब इरीगेशन मतलब क्या होता है जो पानी जो मिट्टी के नीचे जो पानी है वो पाइप से खोद के उसको पंप से उठाता है, वो जो उधर जो पाइप होता है वो पाइप यूज होता है वो एग्रीकल्चर इरीगेशन बोलता है। तो कास्टिंग एंड ट्यूबिंग, हॉट वाटर पंपिंग, वाटर पाइपलाइनिंग, ग्रीन हाउसिंग, फायर पाइपिंग एक्सेट्रा। और इसमें जैसे एपीआई थ्री पीएली कोटेड पाइप से 18 इसका जो वॉल्यूम शेयर है, इसका जो टोटल जो पाइप बनाता है उसका 35% जो है जीआई पाइप्स, एपीआई पाइप्स, उसका जो एप्लीकेशन है ऑयल एंड गैस में है और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है। और इसका ब्लैक पाइप जो यूज होता है कंस्ट्रक्शन एंड फेब्रिकेशन, फेंसिंग, पावर कोटिंग, साइन बोर्डिंग, ये सब में यूज होता है। और जिसे आप लोग देखा जो हॉलो पाइप जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, जो एयरपोर्ट में, मेट्रो स्टेशन, वेयर हाउसिंग में जो हॉलो पाइप यूज होता है, इसका 12% ऑफ प्रोडक्शन उसमें भी होता है। तो लोग देख ले हर तरह का पाइपिंग में इसका प्रेजेंस है। और उनका साइट में जो देख रहा था दूसरा, अभी जो थ्री पेल है जो बड़ा बड़ा पाइप का मैं बात कर रहा था, पानी का ट्रांसपोर्टेशन या तो गैस का ट्रांसपोर्टेशन के यूज होता है, उसके लिए नया टेक्नोलॉजी लेकर आया नेदरलैंड से, तो वो एकदम वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ऑब्वियसली इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा, नया कैपेक्स भी इसने प्लान किया, और इसका साइड से मैं देख रहा था 25-30 करोड़ का नया कैपेक्स प्लान किया। तो ऑब्वियसली और जो इस ईयर में वो चालू होने वाला है तो इसका भी प्रोडक्शन इसका बढ़ने वाला है। और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है नल पे जल और भी बाकी सारे प्रोजेक्ट उसमें इसका बेनिफिट उसको मिलने वाला है। और अभी आ जाता है उसका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है उसमें आ जाता है, मेनली उसका लाइटिंग जो है, जैसे लाइटिंग है एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, इस जगह पे हम लोग उसका मतलब साइट का जो प्रेजेंटेशन है उसमें देख सकते हैं। एलईडी बल्ब में, एलईडी बल्ब में ऑलरेडी हम लोग बोल दिया था इंडिया का कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द एलईडी बल्ब से, और उसके बाद ये पीवीसी पाइप्स में भी अभी है और पैंट्स में है और होम अप्लायंस सब लोग देख सकते हैं, कूलर है, मिक्सर ग्राइंडर और भी बहुत सारी चीजों में इसका प्रेजेंस है। अभी एक चीज मैंने इन लोगों का जो प्रेजेंटेशन है उसमें देख रहा था, जो सूर्य रोशनी को अभी जो है अप्रूवल मिला है लार्ज इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में, ये एलईडी जो कंपोनेंट्स है, एलईडी लाइटिंग कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट ने उसको इन्वेस्टमेंट मिली। इसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है जो उसमें से बेनिफिट मिल रहा है प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, और चाइना प्लस वन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को ऊपर काम करने के लिए बहुत सारे कंपनी मैन्युफैक्चरर कंपनी को मतलब इंसेंटिव दिया जाता है। जैसे इसको देख रहा था जो 4-6% इंटरेस्ट ऑन सेल्स, जो टोटल सेल्स होगा उसके ऊपर 4-6% इंसेंटिव मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो अभी एलईडी बल्ब का कंपोनेंट का क्या होता है, देखो इंडिया में बहुत सारे कंपनीज एलईडी बल्ब जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन उसमें जो मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन उसका जो कंपोनेंट्स है वो चाइना में या तो दूसरा कोई कंट्री में मैन्युफैक्चर होता है, उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो उसमें इम्पोर्ट का जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसमें काफी सारे प्रॉब्लम होता है और प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएशन करता है प्रॉफिट मार्जिन। तो ये जो अगर इसको उस कैटेगरी में जो लेड एलईडी लाइटिंग का है उसका जो रॉ मटेरियल्स उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको मतलब लार्ज इन्वेस्टमेंट कैटेगरी सेक्टर में अप्रूवल मिला है, तो इसमें क्या होगा, जिसे अभी इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स जो एलईडी बना रहा है उसके लिए ये ओईएम कैटेगरी में मैन्युफैक्चर करेंगे। ओईएम क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी लाइट कोई भी ब्रांड का अलग अलग ले लो, जैसे उसका शेप अलग होता है, उसका देखने में अलग होता है या तो उसका लाइटिंग अलग होता है,
हर एक बैंड का अलग अलग देखने में होता है, पूरा कैटेगरी अलग होता है, तो वो जो अलग अलग होता है उसको कहते हैं OEM कहते हैं, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट। अभी अगर इंडिया में ये पार्ट्स मतलब मैन्युफैक्चर करेंगे, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से इन हाउस से लेना बहुत ही बेटर होगा। तो बहुत सारे जो इंडिया का मैन्युफैक्चरर LED तो है, तो उसका OEM कैटेगरी में इसको कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं, उसका OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। दूसरा जो है ये खुद LED लाइट मतलब बनाता है, तो उसको भी रॉ मटेरियल बाहर से लेकर आना पड़ता है। लेकिन ये प्रोडक्शन चालू होने के बाद इसको क्या है, इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो चीज जरूरत है वो अगर आप घर पे ही बना सकते हो, ऑब्वियसली उसको कॉस्ट कम होता है, तो कॉस्ट कम होता है तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। तो ये लॉन्गर टर्म के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है इसको, तो जो ये लार्ज इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में अप्रूवल मिला। तो ये हो गया टोटल मतलब इसका बिजनेस। एक तो हो गया आपका मतलब पाइपिंग बिजनेस हो गया, जो इंडिया में का वन ऑफ द लीडिंग पाइपिंग मैन्युफैक्चरर है, और अनदर साइड में सूर्य रोशनी आपका LED लाइट का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और अभी होम एप्लायंस से भी इसका प्रेजेंस बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली देखो, जो इंडिया का लार्जेस्ट पाइपिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट पाइपिंग मैन्युफैक्चरर है GI कैटेगरी में, तो वो कंपनी एक दिन में तो उठ नहीं जा सकते, और एक कंपनी ऐसा ही एक दिन में लार्जेस्ट नहीं बन गया, कंपनी का ऑब्वियसली कुछ बेस है। तो एक कंपनी अच्छा है, इसका फंडामेंटल में अच्छा बोल सकते हो। थोड़ा सा इसका डेटास में भी मैं चला जाता हूँ, तो उसमें आप लोगों को और भी समझने में फायदा आसानी होगा उसमें। इस अगर दिसंबर क्वार्टर का देखेंगे, देखो कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 में, इसका जो सेल्स है दिसंबर 2020 में, उसका सेल्स है उससे 25% आप है। चलो अभी दिसंबर 2020 में आप लोगों को बोलोगे कोविड का तो इम्पैक्ट है, तो दिसंबर 2019 में चला जाता है, उसमें 1300 करोड़ का सेल्स है, अभी 2000 करोड़ का सेल्स है। तो सेल्स में अभी देख सकते हैं एक ह्यूज ग्रोथ है, और जो है दिसंबर 2019 में 31 करोड़ का प्रॉफिट था, और दिसंबर 2020 उसमें 55 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 40 करोड़। प्रॉफिट में थोड़ा डीप आया, मार्जिन में शायद मे बी कॉम्पिटिशन के वजह से मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट आया। तो अभी इस जगह पे अगर देखेंगे इस ईयर का टोटल जो 2022 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका TTM जो देखेंगे, तो 2021 और 20 का कंपेयर में, और इस जगह पे देखो तीन साल जो 2019, 2020, 2021 तीन साल में ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 करोड़ का बीच में था। तभी इस साल का अगर देखेंगे 7,150 का इसका सेल्स आ गया, और प्रॉफिट भी एवर हाइस्ट ऑलमोस्ट है, तो बोल सकते हो बिजनेस कंपनी बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। इसका एक चीज थोड़ा सा मेरे को जो प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, मतलब ROC थोड़ा सा कम है। मैं जनरली आप लोग जो लोग मेरे को मतलब फॉलो करते, मैं जनरली हाई ROC बिजनेस पे इन्वेस्ट करता हूँ। ROC क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब आप 100 रुपया लगा के मार्केट से साल में कितना कमा रहे हो। तो मैंने जनरली 25-30 ROC ये रहता है, जो मतलब जो कंपनी 100 रुपया लगा के ये अच्छा खासा मतलब 25-30 रुपये साल में कमा रहा है, उस कंपनी के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मैं सोचता हूँ। लेकिन इसका बिजनेस अच्छा है, तो मेरे को लगता है कि ROC बाद में भी बढ़ सकता है, इसको कंटिन्यूसली कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो और इम्पैक्ट 13 का ROC भी इम्पैक्ट आप देखोगे तो खराब नहीं है, जैसे निफ्टी 50 कंपनीज जो है उसका एवरेज ROC 11 होता है, तो ऑब्वियसली जो निफ्टी इंडिया का टॉप कंपनीज है उससे ऊपर ही है इसका ROC, तो ROC खराब नहीं बोल सकता हूँ। और इधर जो अगर मैंने इधर प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग कैटेगरी में भी देखेंगे तो उसमें भी एकदम कंसिस्टेंट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा है, थोड़ा सा कम। अगर प्रोमोटर बिजनेस के ऊपर कॉन्विंस नहीं है कभी शेयर होल्डिंग बढ़ाएगा नहीं, और FII का लास्ट 6 मंथ से बहुत ज्यादा सेलिंग है इंडिया में, तो इस क्वार्टर में इसमें भी दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा सेलिंग था, लेकिन आप अगर देखोगे ओवरऑल FII के कैटेगरी में कोई चेंजिंग नहीं है। DIME में इसका इन्वेस्टमेंट मतलब DIME का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। और दूसरा जो मैं इसका देख रहा था, देखो इसका कैश फ्लो जैसे कोई कंपनी का अगर बोलते कितना, कोई भी कंपनी या तो कोई भी चीज आप भी अगर छोटा बिजनेस करोगे कैश के लिए करते हो, तो कैश फ्लो जितना बढ़ेगा तो कैश कितना जनरेट कर रहा है वो मेन चीज है। इंडिया का बहुत अच्छा अच्छा कंपनी में कैश जनरेशन दिखाता नहीं है, तो इसमें अगर देखेंगे देखो अगर इस साल में जैसे कैश फ्लो कैसे देखते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो होता है, और इस जगह पे अगर देखेंगे उसका जो मेन खर्चा होता है फिक्स्ड एसेट्स परचेज के लिए हर साल, वो जो कच्चा है वो माइनस कर देंगे, तो इस साल का देखेंगे
वो 60 करोड़ से, वो अगर ऑपर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करेंगे 480 करोड़ का कैश फ्लो है, जो लास्ट ईयर था कितना है 230 करोड़ का था, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, इस साल डबल से भी ज्यादा हो गया कैश फ्लो। और उसके भी पहले ईयर देखेंगे तो 2019 में उस साल ओनली कितना 14 करोड़ का था, तो कैश फ्लो देखे चलो उस साल का शायद इन्वेस्टमेंट इस जगह पे ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए कैश फ्लो थोड़ा सा कम है, उसका पहले वाला देख लेते 90 को, तो देखो इस जगह से इस जगह पे डबल हुआ और इधर से फिर से इधर डबल से भी ज्यादा हो, तो कैश फ्लो जो है दिख रहा है कंटिन्यूअसली डबल हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, अच्छा कैश जनरेट कर रहा है इस कंपनी, तो इसलिए इस कंपनी को मैंने और भी ज्यादा नंबर दूंगा, क्योंकि कैश फ्लो जनरेट हो रहा है इसको, लास्ट 4-5 साल के देखेंगे कैश जनरेट कर रहा है बिजनेस ऑरिजिनल, और कैश जनरेट करेगा तो कंपनी उसमें क्या होता है जो एक्स्ट्रा कैश रहेगा वो आपको डिविडेंड भी दे सकते हैं और कंपनी उसको एक्सपेंशन पे भी जा सकता है, बहुत सारे कुछ वो कंपनी उसका मर्जी है क्या करेगा, लेकिन अल्टीमेटली कैश जनरेट कर रहे बिजनेस से। दूसरा अगर देखेंगे इसमें और एक कंसर्न है जो है इसका लोन से इसका 676 करोड़ का है, लेकिन अगर देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने थोड़ा थोड़ा करके लोन कम कर रहा है, इसका कंपनी देखो इस कंपनी 480 करोड़ का कैश फ्लो किया, तो मतलब फ्री कैश फ्लो उसके सामने 676 करोड़ का लोन इतना बड़ा नहीं है। और दूसरे बात अगर देखेंगे हम लोग रिजर्व कैटेगरी में 1367 करोड़ का कैश पड़ा है इसके पास, तो उसके सामने उसका आधा मतलब अगर लोन रहेगा तो ये बहुत बड़ा कंसर्न तो इसमें है नहीं, तो चलो एक फंडामेंटल के हिसाब से तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पाइपिंग कंपनी में अच्छा एक पाइपिंग कंपनी ढूंढ रहा था जिसमें जो नल पे जल ये सब जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का रूरल इकोनॉमी डेवलपमेंट का है, तो इसका मतलब बेनिफिट मिलेगा, तो और उसके साथ एक्स्ट्रा तो मेरे को जो इसका होम अप्लायंस के बिजनेस और LED लाइट में सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया में ये सब बेनिफिट इसमें ये सब कुछ एक साथ कंबाइन है, एक FMCG कंपनी प्लस पाइपिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब कुछ कंबाइन इसमें मिल रहा है। और दूसरा जो है चलो अभी टेक्निकली देख लेते, फंडामेंटली तो मेरा हिसाब से ठीक है, उतना कुछ इशू नहीं देख रहा, देखो टेक्निकली अगर देखेंगे देखो इस जगह पे अगर 1994 से लेके आप 2015 तक देखोगे एक 20-21 साल एक मतलब कंसोलिडेशन पीरियड में था 100 का रेंज पे, तो उसके बाद ये 500 का है, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ उसके बाद 5 times हुआ, तो मैं तो टेक्निकली बोलता हूँ आप अगर वेब एनालिसिस के लिए देखोगे तो इस जगह पे एक बड़ा सा 1 कंप्लीट हुआ, और हम लोगों को पता है 1 कंप्लीट होने के बाद एक बड़ा सा 2 फॉर्म होता है, बड़ा सा करेक्शन होता है, उसको 2 बोलता है, जो देखो इसका जो मेन मूव चालू हुआ था इधर से तो इसका नीचे नहीं गया था, तो मैं बोलूंगा इधर से 2 चालू हुआ, देखो एक्चुअली जो 2 के बाद जो होता है ना एक बहुत ही बड़ा मूव होता है जो इस कंपनी का लाइफ टाइम का सबसे बड़ा मूव होता है, तो वो मूव इसमें चालू हुआ और वो भी 5 वेव में होता है। देखो ये जो 3 का है ना 3 इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता, 3 का ये 1 खत्म हुआ, तो अभी 3 का 3 चालू होने वाला है, उसके बाद एक तो मतलब एक वो बड़ा मूव देगा, उसके बाद 3 मतलब 3 के बाद 3-4 और उसके बाद 3-5 चालू होगा, तो इसमें एक बहुत ही बड़ा एक मतलब मूव अभी तक भी पेंडिंग है, और मैं इसका अगर डेली चार्ट पे देखूंगा देखो इस जगह पे एक सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक कर रहा है, जो ये भी हम लोग अगर देखेंगे 4 साल का जो मतलब हाई था उस हाई को मतलब क्रॉस करके बहुत ही ज्यादा स्प्रिंग जैसे ऊपर गया था और उसको रिटेस्ट किया और ऑलमोस्ट 50% जैसे करेक्शन हो गया, तो मतलब हम लोग 50% डिस्काउंट में ऑलमोस्ट जो मिल रहा है इसका रिसेंट टॉप है। देखो अभी जो रिटेस्टिंग जो कर रहा था लॉन्गर टर्म पे वो कंप्लीट हुआ या नहीं कैसे पता चलेगा, अगर डेली चार्ट पे देखेंगे इस जगह पे देखो एक डाउन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करूंगा, देखो ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर गया, और डाउन ट्रेंड लाइन से ब्रेक करने से नहीं होता है उसको जो एक देखो W पैटर्न जैसे बनाया, जो लास्ट चाहिए उसको क्रॉस करना चाहिए, लास्ट हाई को क्रॉस किया बहुत ही सक्सेसफुली क्रॉस किया और इस जगह पे देखो वो क्रॉस किया और उसके बाद उसको रिटेस्ट करके वॉल्यूम के साथ ऊपर जाना चालू किया, मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आफ्टर ब्रेकआउट, इस जगह को अगर ब्रेकआउट के हिसाब से देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट रिटेस्ट करके उसको ऊपर की तरह जब जाननी चालू होता है तब मैं बोलता हूँ रिवर्सल जनरली कम्प्लीट हो गया, तो देखो एक बड़ा सा जो टाइम फ्रेम है उस जगह पे एक 4 साल का ब्रेकआउट था उसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद जो शॉर्टर टाइम पे में उसमें एक रिवर्सल सिग्नल दिख रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो मतलब मोमेंटम जो डाउन ट्रेंड का था वो ब्रेक हो गया, और उसके बाद अप ट्रेंड कब कन्वर्ट होता है जब एक W पैटर्न जैसे देता है,
तो उसको बोलता हूँ मैं, इसका अप ट्रेंड फिर से एक चालू हुआ, वो छोटा हुआ है बड़ा है वो तो पता नहीं, लेकिन ये एक अप ट्रेंड अगर ये रिवर्सल देता, जनरली पुराना हाई जो होता है इसका, पुराना हाई जो है 850 तक है और उधर तक तो मैं देख ही रहा हूँ, और 850 को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, इस जगह पे जो 400 का लो दिया 400 से, और इस जगह पे 850, तो 450 रुपीज का मूव उसके ऊपर और भी देख रहा हूँ, तो मतलब मैं अभी, मतलब मेरा फाइनल टारगेट हो गया 850 प्लस उस जगह पे 1300 का, तो अभी 450 है, तो इस जगह से मेरे को 3 टाइम्स, तो इस जगह से मेरे को टेक्निकली दिख रहा है, तो और फंडामेंटली भी बहुत ही चीप मिल रहा है और अच्छा कंपनी दिख रहा है, दो तीन प्रोडक्ट कैटेगरी है तो, और अच्छा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो ये बिजनेस में तो मैं पैसा लगाऊंगा, लेकिन देखो फ्रेंड्स मेरा अगर एनालिसिस इसमें गलत होगा तो मैं क्या करूंगा, गलत होगा तो इस जगह पे 400 जो इसमें जो लो है, ये जो 393 है लो के नीचे, 390 के नीचे अगर इसने वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज देगा तो मैंने एग्जिट कर जाऊंगा इसमें, इसमें से, क्योंकि एनालिसिस कभी भी गलत हो सकता है। चलो फ्रेंड्स इस कंपनी के लिए इतना ही, मैं टेक्निकली और फंडामेंटली, उम्मीद है टेक्निकली और फंडामेंटली आपको क्लियर कट समझा पाया, और मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।